हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी इस टाइम मैं शावर लेके आई हूँ। मैंने हेयर वॉश किया है तो अभी मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। ये देखिए एलोवेरा जेल, और इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आफ्टर वॉश, हेयर वॉश के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके हेयर बहुत ही सिल्की और बहुत ही, अगर आपके हेयर रफ है तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल, जो कि सौंदर्य एलोवेरा जेल है। और ये आप अपने हेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्किन के लिए भी अच्छा है और हेयर के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आफ्टर हेयर वॉश के बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, और ये अप्लाई करने से आपके जो हेयर है वो शाइन करते हैं, प्लस आपके हेयर ग्रोथ अच्छी होती है और स्मूथ हो जाते हैं आफ्टर हेयर वॉश के बाद। तो उसके बाद ये कॉम यूज़ कर रही हूँ। कॉम थोड़ी सी मोटी यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप पतली यूज़ करेंगे तो आपके हेयर फॉल के चांस हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल को फेस के लिए। एलोवेरा जेल फेस के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना कि हेयर के लिए। तो फेस पे इसको अप्लाई आप रेगुलरली कर सकते हैं। इसको रेगुलर अप्लाई करने से आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा और आपकी स्किन प्रॉब्लम रिमूव होगी, जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है वो हट जाएंगी। और उसके बाद ये देखिए, मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे का 9 to 5 CC क्रीम, और ये फेयरनेस क्रीम है। आप इसको डेली अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करने के बाद स्किन में बहुत ही ज़्यादा आपको स्किन टोन चेंज नज़र आएगा। उसके बाद मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ पॉन्स बीबी क्रीम। पॉन्स बीबी क्रीम डेली अप्लाई कर सकते हैं, ये फेयरनेस के लिए बहुत अच्छी है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको डेली, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन फेयर होती है, साथ में अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको फाउंडेशन लुक नज़र आता है अपनी स्किन के ऊपर। तो यहाँ पर अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप ग्लॉस। तो ये कलर सन्स का है, रेड कलर का ये लिप ग्लॉस है, तो ये अप्लाई कर रही हूँ। और मैक्सिमम मेरा लिक्विड मेट ही होता है, जहाँ लिक्विड लिपस्टिक ही होती है मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ पर मैं आईब्रोज के ऊपर आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, आईब्रो पेंसिल। और इसको अप्लाई लाइट लाइट अप्लाई करना है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं अप्लाई करना है, ज़्यादा डार्क से अच्छी नहीं लगती। और इसको अप्लाई करने के बाद आप ईयरबड से थोड़ा सा इसको फैला सकते हैं, और बाय हैंड भी मैं इसको बाय फिंगर की हेल्प से इससे थोड़ा सा इसको ठीक कर रही हूँ। और ये बहुत ही चेंज नज़र आता है। अगर आप आईब्रो यूज़ करें, आईब्रो पेंसिल यूज़ करें, तो आपकी फेस चेंज तो होगा थोड़ा सा। देन इसके बाद मैं यहाँ पर काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल का मैं जो स्टॉक है वो थोड़ा सा डार्क लगा रही हूँ, बट थिन लगा रही हूँ, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं लगा रही हूँ, पतला लगा रही हूँ और डार्क लगा रही हूँ। और ये देखिए, और ज़्यादा मोटा इस टाइम नहीं लगा रही हूँ मैं, और आईब्रोज को मैं ठीक कर रही हूँ उस टाइम। उसके बाद यहाँ मैं अप्लाई करने वाली हूँ सिंदूर, लिक्विड सिंदूर है ये लोटस का। तो ये देखिए, मेरा मस्कारा रह गया था, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी आई लैशेज के ऊपर। और ये है मैबलिन का, और जब तक मस्कारा ना लगाओ तब आई कंप्लीट नहीं लगती है। ये देखिए, ये वाले इयर रिंग मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरा दुपट्टा है वो भी लाइट ब्लू का है, तो मैचिंग है, साथ में बिंदी भी मैंने सेम मैच लगाई है। अभी मैं हो गई रेडी। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ रेडी होके, एक्चुअली कहीं जा नहीं रही, यहीं पास में हमारे, मतलब क्या होता है गांव में हमारे जो कुल देवता होते हैं, जैसे हम लोग राजपूत हैं तो हमारे जो कुल देवता है, मतलब सब कास्ट हमारी जो है मनास, तो हमारे जो कुल देवता होता है उनके उनका जो डे होता है ना, वैसा ही आज कुछ वासुदेव ऐसे कुछ होता है, वासुदेव ऐसे करके एक होता है, जिसमें बच्चों के लिए शायद किया जाता है। इसको डिटेल में मैं आपको भाभी से जब मैं पूछूंगी ना तब बताऊंगी। तो क्या होता है, वहाँ पे जाना होता है, पानी के पास जाना होता है, ट्यूबवेल के पास, और फिर अन्न का होता है शायद, इसमें अन्न वगैरह के लिए होता है, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो उस पर फास्ट रखना होता है, वो फास्ट रखा है मैंने लास्ट टाइम जब रितवान छोटा था, रितवान को लेके गए थे, तो बच्चे को, छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, उसका किया जाता है बच्चे के लिए, तो उसको लेके गए थे रितवान को,
रिद्वान को ट्यूबवेल पे लेके गए थे तो वो रोने लगा था छोटा सा तब। तो अभी मतलब फास्ट रखना होता है इस दिन, और फिर रोट बनाना होता है और चने भिगो के रखने होते हैं। और भी क्या क्या होता है मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो मैंने अभी यहाँ लगा लिया है ये इयररिंग, ये मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के लिए थे, लाइट ब्लू, और क्योंकि इस सूट में लाइट ब्लू डॉट है। और ये जो सूट है आपने भाभी का भी देखा होगा, भाभी के पास भी ऐसा, बट भाभी के यहाँ पे ये जो मेरे ब्लू डॉट है ना यहाँ पे ब्लू, लाइट ब्लू, भाभी का डार्क ब्लू है। और सेम मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ बड़े वाले जो ननंद है उनका भी है, तो उन्होंने ही हम मतलब हम सेम लिए, मेरे लिए और भाभी के लिए और अपने लिए सेम लिए थे। तो भाभी और मैं एक दो बार लगा के जा चुके हैं सेम। एक बार हम लोग सेम सेम हो गए थे, हम एक बार मार्केट गए थे तो मैंने भी ये लगाया था, भाभी ने भी ये लगाया था। और अभी ये थोड़ा सा टाइट हो गया था तो इसको मैंने थोड़ा सा लूज किया है, तो थोड़ा सा किया है, पता नहीं टाइट हो गया था। और ये लास्ट ईयर स्टिच किया था तो एक दो बार ही डाला था। तो अभी जस्ट जाना है, थोड़ी देर के बाद चलते हैं। और रितवान चला गया स्कूल में, और रितवान तब तक शायद आ भी जाए, तो आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद में। अभी मेरा नेल पेंट है वो रिमूव कर रही हूँ, और ये नेल पेंट मैंने लगाया था 2 दिन पहले ही लगाया था। जितना भी अच्छा नेल पेंट लगा लो बट वो निकल ही जाता है, अगर आप किचन का काम करते हैं तो किचन का काम करते करते निकल ही जाता है नेल पेंट। और जस्ट अभी मैं रेड कलर का नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ, पता नहीं कौन सा लगाऊंगी कि नहीं। तो ये देखिए अभी मैं भाभी के पास आई हूँ, यहाँ पर बंदू बना रही है बछड़ा और साथ में गाय, तो काओ विद गाल्फ बना रही है। और क्यों बना रही है, क्योंकि आज है फास्ट, जो हमने फास्ट रखा हुआ है बासुदुआ का। तो हमारे इस साइड पंजाब वाली साइड में बासुदुआ का व्रत बोला जाता है जो रखा है हमने, तो उसमें ये सब बनाते हैं, गाय बनाते हैं, उसका बछड़ा बनाते हैं और भी काफ़ी कुछ बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और ये जो फास्ट है ये मैंने आपको बोला था कि राजपूत ही रखते हैं, तो ऐसा नहीं, मुझे बाद में पता चला कि ये मतलब ओवरऑल हिंदू धर्म में रखा जाता है, सभी रखते हैं ये, और पहले मुझे नहीं पता था तो मैंने अभी इसकी जानकारी ली है। और इसको है ना राजस्थान और बाकी स्टेट्स में भी रखा जाता है, उसको बारस बोला जाता है, बच बारस, तो बच बारस का फास्ट जो रखा जाता है बच बारस का, वो भी सेम ही होता है जो फास्ट है। और ये जो व्रत है ये पुत्र की मंगल कामना और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है, और साथ में ये गौ पूजा भी इसमें की जाती है, गाय के लिए किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ये गाय और उसका बछड़ा और भी आकृतियाँ बनाई जाती है, आटे से बनाई जाती है। और ये पूजा अभी हम करने जाएंगे थोड़ी देर के बाद में, तो ये पूजा पानी के पास की जाती है। तो ये देखिए यहाँ आपको दिखाते हैं, ये है बछड़ा और ये है गाय, ये गाय और ये उसका बछड़ा, तो ये घास उसकी घास भी डालने हैं, ये घास डाला हुआ आटे का बनाया ना, ये आटे हल्दी और आटा और हल्दी को गूंद के बनाया शायद, ये कभी येलो येलो है, हल्दी भी डाला है शायद, तो पता नहीं, भाभी से पूछती, भाभी आएंगे अभी, तो मैं इधर आई हूँ भाभी के पास। मैं पूरा समान लिया गया बेबे को। अच्छा पहले यहाँ पे बेबे ने बनाए हैं इतने सारे, ये क्या क्या बनाया, 10 तो दो बच्चे छोटा
ਰਿਤਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਬਾਹਮਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪੇ ਲੈਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੋਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ तो ये देखिए अभी सूत्र बना रहे हैं जो कि हाथ में लगाना है और ये भाभी ये वाइट कलर का धागा है जो धागा नहीं होता ये इसमें बहुत सारे धागे होते हैं सूत्र बोला जाता है ये और इसको है ना थोड़ी सी हल्दी लगाई है पानी लगाया है और कलर चढ़ाया है हम जाने लगे हैं पूजा करने भाभी और मैं जाने लगे हैं आए ये देखिए यहाँ पर अभी मैं वेट कर रही हूँ और सभी वेट कर रहे हैं मतलब जितनी भी औरतें हैं गांव में जितनी भी जिन्होंने फास्ट रखा है आज ये व्रत रखा है वासुदेवा का वो इकट्ठे होके पूजा करते हैं और अभी सभी इकट्ठे हो रहे हैं और ये पूजा पानी के किनारे जैसे नदी के किनारे पानी के पास की जाती है तो हम लोग ट्यूबवेल के पास करने वाले हैं तो मैं आपको ओवरऑल पूजा दिखाने की कोशिश करूँगी कल के ब्लॉग में तो आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में और ये वाला ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए तो मिलते हैं आपको कल तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।